K2 से रिलेटेड हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जो मीडियम वेट फाइटर तेजस MK2 है, इसे HAL, ADA और DRDO के साथ मिलकर विकसित कर रही है और ये एक इंजन वाला 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और इसमें कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जाएगा और भविष्य में ये इंडियन एयरफोर्स के मुख्य फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक होगा। अब सवाल ये आता है कि इंडियन एयरफोर्स को इस मीडियम वेट कैटेगरी के तेजस MQ2 फाइटर की आखिर जरूरत है क्यों? तो इंडियन एयरफोर्स के इस जरूरत के पीछे मुख्य चार कारण है। सबसे पहला है इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई फाइटर स्क्वाड्रन। जैसा कि आप सभी इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स को असल में 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को अपनी फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने में फिलहाल अभी काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है और इसका मुख्य कारण है इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में मौजूद पुराने एयरक्राफ्ट जो कि अपनी रिटायर होने की कगार पर हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको अभी तक रिटायर कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी भी वो चल रहे हैं।